Redmi Note 10 Pro में गेमिंग कैसी होती है, PUBG इसमें कैसा चलता है एंड इसकी मैक्स ग्राफिक सेटिंग कितनी है। गाइज, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरा नाम है नादिर सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं डीप टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 10 Pro का डिटेल PUBG टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बात कर लें इसके प्रोसेसर की, तो आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 732G। यहाँ पर जो G स्टैंड करता है वो गेमिंग के लिए स्टैंड करता है। इस फ़ोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन गेम में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता कि आप इसको 90fps तक ले जा सकें। यहाँ पर आगे मैं आपको गेम के ग्राफिक्स भी दिखा दूंगा। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ग्लेजिंग की तरफ से हमारे पास एक कवर एंड एक टेम्पर्ड ग्लास आया था, जो कि मैंने अभी Redmi Note 10 Pro पर लगाया है एंड जो इसकी क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। इसको लगाने के बाद जब मैंने गेम खेला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड यहाँ पर जो ओलियोफोबिक कोटिंग करी गई है इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अच्छे से गेम खेलने में। अगर आप चाहें तो ये वाला टेम्पर्ड ग्लास आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो कवर है, कवर की भी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये फ़ोन को भी थोड़ा स्टाइलिश बना देता है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा गेम प्ले। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PUBG ओपन कर देख लेते हैं, देखते हैं कितना वक्त लगता है PUBG ओपन होने में। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे डीप टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 सेकेंड हो गए अभी तक PUBG ओपन नहीं हुआ है। गाइज, यहाँ पर 34 सेकेंड में PUBG ओपन हो जाता है Redmi Note 10 Pro। यही मैं बात करूँ ग्राफिक्स ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको 90fps एज वेल एज एक्सट्रीम वाला ऑप्शन मतलब कि 60fps दोनों ही इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको उसको इनेबल करना है तो आप GFX टूल की मदद से कर सकते हैं। यहीं पर बात करें, आपको जो मैक्स सेटिंग मिलेगी वो स्मूथ प्लस अल्ट्रा मिलेगी, बैलेंस पर अल्ट्रा मिलेगी एंड HD पर हाई मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं जिसमें स्मूथ पे एक्सट्रीम प्ले करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक TDM सबसे पहले। गाइज, यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है एंड फ्रेम ड्रॉप भी नहीं होते हैं। गाइज, यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसमें गेम खेलने में एंड मुझे एक भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है।
गाइज यहाँ पर ओवरऑल क्लासिक मैच के एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेलते हैं तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं मिलेगी, आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हैं। यही मैं बात करूँ, अभी पबजी मोबाइल इंडिया भी आने वाला है जो कि बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका गेम प्ले भी मैं आपको दिखाऊँ रेडमी नोट 10 प्रो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। यही मैं बात करूँ, अगर आप GFX टूल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो का जो कैमरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक फुल रिव्यू बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। अगर आपका कुछ डाउट हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।